प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राजधानी पटना में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। वहीं बात करें पटना के गांधी मैदान की तो यहां पे भी तैयारियां आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से ही पटना के गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब उन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। वहीं इन सभी तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, पहले आप वो सुने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं और यहाँ पर इस अवसर पर झांकियाँ भी निकाली जाएंगी। कुल 12 विभागों की झांकियाँ निकाली जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर परेड भी किया जाएगा और इसकी भी तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है और उसमें भी लगभग 17 कंटिजेंट की यहाँ पर परेड दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ इस बार कोरोना में पूर्व में जो स्थिति थी उसके अनुसार दर्शकों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो भी व्यवस्था है वो इस बार चूँकि कोरोना के बाद यहाँ पर लोग आएंगे तो उसके लिए दर्शक दीर्घा का निर्माण हो रहा है और हम लोग जो भी प्रवेश और निकास की व्यवस्था है और उनके बैठने की बेहतर व्यवस्था हो इसके लिए यहाँ पर पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और सेना की तरफ से भी जो पार्टिसिपेशन है उनके बैंड के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा और इसकी सभी तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी चीज़ की प्रस्तुतिकरण की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार कोरोना के भय से मुक्त होकर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसके कारण गांधी मैदान में भी लोगों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि समेत अन्य अधिकारियों द्वारा बैरिकेडिंग, बैठने की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, झांकियों का प्रदर्शन, दर्शक दीर्घा का निर्माण, परेड, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, अग्निशमन की व्यवस्था, यातायात प्रबंधन समेत अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द एसटी न्यूज के साथ।